स्वास्थ्य मंत्री ने सुलह विधानसभा के देहर में 2 दिवसीय जिला रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नशे की रोकथाम के ऊपर रैली को हरी झंडी भी दिखाई। रेड क्रॉस मेले में स्कूल बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। स्वास्थ्य मंत्री ने सुलह विधानसभा के देहण में 2 दिवसीय जिला रेड क्रॉस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने नशे की रोकथाम के ऊपर रैली को हरी झंडी भी दिखाई। रेड क्रॉस मेले में स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि पालमपुर में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। अब हम उस अन्नपूर्णा सोसाइटी के माध्यम से 5 लाख रुपए से हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। परमार ने कहा कि आने वाले दिनों में 2 डायग्नोस्टिक वैन भी लगा रहे हैं जो अन्नपूर्णा सोसाइटी के साथ जुड़ेगी। जो लोग अभी भी अपना इलाज करवाने में कई बार पालमपुर थुरल पहुंच जाते हैं, वे वैन गांव-गांव में जाएगी। हम निश्चित करेंगे कि ये वैन किस दिन कहां जाएगी और इस तरह कैंप हर गांव में लगाए जाएंगे। लोगों के टेस्ट भी फ्री होंगे। हमने पालमपुर में अन्नपूर्णा योजना शुरू की है। अब हम उस अन्नपूर्णा सोसाइटी के माध्यम से हम 5 लाख रुपए से हिमाचल प्रदेश के लोगों का मुफ्त इलाज करवा रहे हैं। जो कार्ड नहीं बना सके वो जनवरी से मार्च के महीने में कार्ड बनाए, परंतु अब आने वाले दिनों में हम 2 डायग्नोस्टिक वैन भी ला रहे हैं। वो अन्नपूर्णा सोसाइटी के साथ जुड़ेंगी। जो लोग अभी तक भी अपना इलाज करवाने में कई बार पालमपुर थुरल बभारना धीरा नहीं पहुंच पाते, वो वैन गांव-गांव में जाएगी। हम निश्चित करेंगे कि आज इस तारीख को दहन में आएगी, मरंडा में आएगी, ऐसा कैंप हर गांव में लगाया जाएगा। वहीं धर्मशाला में शीतकालीन सत्र को लेकर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि शीतकालीन विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए बहुत से विषय आएंगे। विपक्ष सकारात्मक का सुझाव ताकि सत्ता और विपक्ष मिलकर हिमाचल प्रदेश के उत्थान के लिए सामूहिक प्रयास कर सके। परमार ने हैदराबाद पुलिस एनकाउंटर के बारे में कहा कि जो हैदराबाद में पुलिस एनकाउंटर हुआ वह होना ही चाहिए था। ऐसे लोग जिन्होंने एक डॉक्टर के साथ अत्याचार किया और रेप करके जला दिया और फिर पुलिस वालों के ऊपर हथियार उठाने की भी कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस अधिकारी अपने बचाव के लिए जो किया वो ठीक किया।